सो ही गाइस फाइनली ब्रह्मास्त्र को आज यूएस में रिलीज किया गया। सो अभी के टाइम में यूएसए से इस फिल्म पर काफी ज्यादा रिव्यू आ रहा है। कुछ रिव्यू नेगेटिव आ रहा है तो कुछ पॉजिटिव आ रहा है। अब इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें रेडियो मिर्ची ने इस फिल्म के ऊपर रिव्यू दिए थे। उसमें बोला था कि भाई ये फिल्म काफी अच्छी है, रणबीर कपूर आलिया इन सब का रोल काफी अच्छा है, हॉलीवुड लेवल की यह फिल्म है। सो कुल मिलाकर उसने इस फिल्म पर पॉजिटिव रिव्यू दिए थे। लेकिन दोस्तों अभी मैंने दूसरे लोगों का भी इंटरव्यू देखा जिसमें एक बंदा बोल रहा है कि भाई ये क्या फिल्म है, नहीं इसे देखिए इससे अच्छा तो 200 रुपए में गरीबों को दान कर देता। नहीं फिल्म में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, रणबीर कपूर को पता ही नहीं कि भाई फिल्म में क्या हो रहा है। इसके अलावा दूसरे इंसान ने बोला कि आलिया को इस फिल्म में नहीं लेना चाहिए था, उसकी एक्टिंग बहुत बेकार है। अब कुछ लोगों ने ब्रह्मास्त्र पर नेगेटिव कमेंट किए तो कुछ ने पॉजिटिव भी किए। तो इन भाई साहब ने फिल्म के बारे में बोला कि भाई ये फिल्म काफी अच्छी है। वैसे दोस्तों इंडिया में इसका पूरा पता कल चलेगा कि ये फिल्म बेकार है या फिर अच्छी है। कल पब्लिक के रिव्यू आएंगे उसके बाद ही सब कुछ पता चलेगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कल के दिन तो ब्रह्मास्त्र का कलेक्शन काफी अच्छा होगा क्योंकि पहले दिन लोगों को पता नहीं होता कि भाई फिल्म अच्छी है या फिर नहीं। लेकिन कल जब इस फिल्म के रिव्यू आने लग जाएंगे उसके बाद अगर ये फिल्म अच्छी होगी तब तो दूसरे दिन इसका और कलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन बेकार होगी तो फिर दूसरे दिन इसका कलेक्शन डाउन हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर हिंदी ऑडियंस फिल्मों के रिव्यू देखकर ही उसे देखने जाती है। वैसे इंडिया में भी इसका फर्स्ट रिव्यू तो आ चुका है, आपको शायद पता होगा। तो उमेश सांधु ने यह फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान देख इस फिल्म के रिव्यू को ट्वीट किया है और उन्होंने इस फिल्म को काफी बेकार बताया। बाकी जो भी होगा कल पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। बाकी ऐसे ही फिल्मों के अपडेट और रिव्यू जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।